ये तो फेडरलिज्म है इंडिया में, और फेडरलिज्म को केशवानंद भारती के जजमेंट के हिसाब से फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है जी। और इसलिए उस फेडरलिज्म पर आप कोई आघात नहीं कर सकता। अब कोई भी पार्टी जो गवर्नमेंट में है स्टेट्स में, अब उनका चुनाव अभी हुआ हो, कोई भी तैयार नहीं होगा डिसॉल्व करके फिर दोबारा इलेक्शन करा लो, कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए वो कंसेंसस का जो ग्राउंड है वो है नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये अभी इस वक्त। अभी भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन बीच में कोई गवर्नमेंट गिर जाती है, असेंबली को भंग करना पड़ता है, तो उसमें फिर दिक्कत आएगी कि कब तक वो वेट करेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन तक, है ना। और पार्लियामेंट में कोई अस्थिरता आएगी उस वक्त क्या करेंगे, तो फिर 6 महीने के अंदर तो पार्लियामेंट में इलेक्शन करवाना पड़ेगा जी। तो फिर ये सारी चीज़ें चौपट हो जाएंगी।